फजर में मस्जिदें वीरान हैं। माफ कीजिएगा, हदीस में है मुनाफिकीन के ऊपर फजर की नमाज और इशा की नमाज बोझ है, वो फजर में नहीं उठ सकते। हदीस में है फजर की नमाज में, असर की नमाज में रात के और दिन के फरिश्ते जमा होते हैं। फजर में जो गैर हाजिर है वो गैर हाजिर है, अल्लाह की बारगाह में गैर हाजिरी लग गई। जाने वाले फरिश्ते भी कहेंगे नहीं था, आने वाले भी बोलेंगे नहीं था। कितना बड़ा नुकसान है। हदीस में है रकअता अल फजर खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा, फजर की दो रकत सुन्नतें, बाब सुनन में है ये रवायत, रकअता अल फजर फजर की दो रकत सुन्नत खैरुम मिनद दुनिया वमा फीहा, अमरीका उससे मुल्हिका तमाम ममालिक, पूरा यूरोप, अरब ममालिक, पूरी दुनिया में जितनी नेमतें, जितने अमलाक हैं, जितनी दौलत है, ये सब अल्लाह के रास्ते में सदका कर दो, इतना अजर व सवाब नहीं मिलेगा जितना फजर की दो रकत नमाज पे मिलता है। खुद सोच लो, ये दो रकत सुन्नतें हैं, फर्जों का कितना अजर होगा। जब ये उलमा फरमाते हैं अगर इमाम की दो रकत सुन्नतें रहती हों तो वो लोगों को कहे बैठो भाई पहले सुन्नतें पढ़ने दो मुझे फिर नमाज पढ़ाओ, वो इमाम ज्यादा बेहतर है जो दो रकत सुन्नतें पढ़ के नमाज पढ़ाए, क्योंकि ये दो रकतें बड़ी कीमती हैं। रकअता अल फजर खैरुम मिनद दुनिया व माफिया, तो जिनकी सिर्फ सुन्नतें चली गई कितना नुकसान है, और फर्ज तो सुन्नत से बहुत ज्यादा अफजल है, जिसके फर्ज ही चले गए वो कितना खसारे में। पूरी रात नफल पढ़ना इतनी फजीलत नहीं जितना कि फजर की दो रकत बाजमात आप मस्जिद में अदा करें, ये फजीलत वाले हैं। नया साल है, आओ अजम करते हैं इंशाल्लाह अब हम सारी नमाजें पढ़ेंगे, मगर खुसूसन फजर की नमाज में कोताही नहीं होगी, हम मस्जिद में पढ़ेंगे। उसके लिए तरीकाकार है, अपने दोस्तों को बुला बुला कर बोलो तेरी गली में मैं रहता हूं, जाते हुए मुझे लेकर जाना, अच्छा मुझे फोन कर देना, घर के अंदर साथियों को, घर के अफराद को, बीवी बच्चों को बोलो अलार्म लगाओ हमें उठाना, खुद अलार्म लगाओ, एहतमाम हो ताकि हम मस्जिद में पहुंचकर मर्द यहां नमाज पढ़ें, औरतें घरों में पढ़ें। हाथ खड़े करो कौन कौन इंशाअल्लाह फजर की नमाज मस्जिद में चाहिए, अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। नमाजी उसी को बोलते हैं जो फजर में भी हो, आज के बाद फजर की गराजरी ममनू इंशाअल्लाह। और सिर्फ आपके लिए नहीं, मैं आजम करो मुझे नया एक बंदा लाना है, आप जाओगे दिन को तय करो किसको लाना है, अपनी अपनी गलियों की फहरिस्त बनाओ, कौन आदमी मेरी गली का नमाज में मस्जिद में नहीं जाता, उससे मुलाकात करो, को मैं हाजिर हुआ हूं, मैं आपको सुबह उठा दूं, अच्छा नहीं फोन कर दूं, किसी ना किसी जुमरे में तश्कील करो, जाते हुए मैं जाता हूं अकेला ही, आपको भी साथ ले लूं, मैं निकलते हुए फोन कर दूंगा, आप तैयारी करना इकट्ठे चलेंगे, एक मुहिम शुरू करो। शैतानी और तागूती ताकतें यूं कमजोर होंगी। The divine name